देर रात अमाजरी क्षेत्र से दुर्घटना की वारदात सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मारने से हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि अन्य व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो जरूर पर महज सूचना पत्र देकर आरोपी को छोड़ भी दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक 34 वर्षीय राजकुमार यादव पेंटिंग का काम करता था, जो रोज की तरह अपना काम कर मंगलवार रात 11 बजे के करीब अपने ठेकेदार राजेंद्र रामजी साहने के साथ बाइक पर सवार होकर रामनगर से जैताला की ओर जा रहा था। तभी अम्बाजरी स्थित हर्ट मेडिकल के सामने एक तेज रफ्तार से आ रही हुंडई कंपनी की कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पेंटर राजकुमार यादव की मौत हो गई, जबकि ठेकेदार राजेंद्र रामजी गंभीर रूप से घायल है। हादसे का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कार चालक नितेश सोहनलाल कुशवाहा को हिरासत में लिया, पर इतने गंभीर हादसे में व्यक्ति की जान जाने के बावजूद में पुलिस ने आरोपी को महज सूचना पत्र देकर छोड़ दिया। मामले पर पुलिस के इस रवैये ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज़ नागपुर।